सर प्रयास एंड आई एम बी कॉम स्टूडेंट फ्रॉम डिग्री फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटना। सर हमने ये एंटी कैनबिस एक ड्राइव स्टार्ट किया है, तो एंटी कैनबिस के ड्राइव क्या है जो भी हमारे कश्मीर में मतलब ड्रग्स हैं, इस ड्रग्स के हवाले से हम ये बताना चाहते हैं, हमारा कॉलेज ये बताना चाहते हैं कि जो भी ड्रग्स है इसको बस जड़ से उखाड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें हमारे कश्मीर यूथ की तो कश्मीर में जो भी यूथ हैं आजकल सभी मतलब ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, आजकल अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे सुसाइड अटैक्स आते हैं, डिप्रेशन एनजाइटी बहुत सारे परेशानियां होती हैं। माँ बाप ने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया होता है ताकि ये कुछ करे, लेकिन अगर यही बच्चा कुछ मतलब ड्रग्स ले तो फिर ये तो अगर ये बच्चे आज मैसेज लेके जा रहे हैं कम्युनिटी में, पहले तो जो नए नशे के आदि बनेंगे उनको रोकेंगे, दूसरा ये उन जो नशे में ऑलरेडी आदि हैं, नशे के जो बने हुए नशा जो करते हैं कैनबिस का या बाकी ड्रग्स का, इनको देख के उनको भी एक मैसेज मिलेगी कि नहीं, हम भी इनकी तरह सोसाइटी में एक रोल मॉडल की तरह आ सकते हैं, और उनके लिए भी हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो कभी भी वापस आ सकते हैं, सोसाइटी उनको हमेशा खुले हाथों से अपने गले लगा सकती है। कॉलेज पैटर्न से आज हमने एक छोटी सी ड्राइव ली है ड्रग्स के खिलाफ, कैनबिस के खिलाफ। ऑब्वियसली जो हम आज के जो यूथ हैं जिसमें मुब्तला हो रहे हैं, जिसके इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हमें मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज डोंट यूज दिस, क्योंकि इससे कितनी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें खुद पता नहीं है, उनके घर वालों को कितनी आशा होती है उनसे, ज्यादातर स्टूडेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, कल सुबह स्टूडेंट घर से निकलता है पढ़ने के लिए, घर वालों को पता होता है कि शायद पढ़ने के लिए गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं बाहर में कर क्या रहा है स्टूडेंट, किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, जिस चीज स्टूडेंट की एम्स पे इनकी गोल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जिस पे फोकस नहीं कर सकते, जिस पे क्लास पे फोकस नहीं कर सकते, इनकी पढ़ाई लिखाई वेस्ट ही हो जाती है, घर से निकलते चलो हम जा रहे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन बाद में क्या करते हैं इनके घर वालों को पता भी नहीं।